आखिर सोहरिया में और कितनी जाने जाएंगी। दो दिनों से लापता 22 वर्षीय सर्वेश का गांव के पूरब तालाब में शव मिलने से हड़कंप है। शव पर चोटों के निशान है। परिजन प्रधान समेत 3 लोगों को नामजद कर एक अन्य के खिलाफ हत्या की आशंका जता रहे हैं। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पूर्व भी सर्वेश 22 सितंबर को गायब हो चुका है। 23 सितंबर को गांव के बाहर बाग में बंधा हुआ मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस को बताया था राहुल व उसके अन्य साथियों ने उसे मारा पीटा है, लेकिन तब के बयान को डरा धमका कर बदलवा दिया गया। इससे पहले 18 सितंबर को ग्राम प्रधान करुणेश वर्मा द्वारा अवैध भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण कराए जाने को लेकर प्रधान व प्रधान पद के पूर्व प्रत्याशी के बीच चले ईंट पत्थर और मची भगदड़ में इसरार की मौत हो गई थी। पुलिस हार्ट अटैक से मौत की वजह बता रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां का मंजर कैसा रहा होगा। 22 सितंबर को अगर पुलिस सर्वेश यादव के साथ हुई घटना पर कार्रवाई कर देती तो शायद उसकी जान बच जाती। परिजनों की चीत्कारें न गूंजती और पुलिस को वहां दौड़ भाग न लगानी पड़ती। हम आपको वह आखिरी सर्वेश का बयान सुना रहे हैं, जिसमें पूरी घटना को बता रहा है, जिसको 112 डायल पुलिस रिकॉर्ड कर रही है। स्वर गांव सोहरिया थाना कला। तो बताओ तुम्हारे भाई क्या नाम है? प्रेम सागर। फोन क्यों किया है? इनका भाई रे। शांत रहो तुम। हाँ, इससे पूछा जा रहा है। हाँ, फोन क्यों किए हैं? तुमको बांध के ढील दिया कौन? राहुल। राहुल के पिताजी का नाम? पिताजी का नाम नहीं बताओ। गाँव? उनका दुगरा राहुल। थाना? टंकी पर। अच्छा, टंकी पे। तुमको बांध के कहाँ डाले थे? धान में। धान। कौन से धान में? बाग तोड़े थे। बांध के ढील दिया। तुम क्या करने गए थे? खेत। अच्छा, कपड़ा कौन सा पहने थे? यही। कितने बजे गए थे? कितने बजे? 4-5 बजे। वो अकेला था? वो कितने लोग थे? अकेले? वो अकेले हम सारे टाइम पहले अकेले था। बांध दिया उसके बाद हो जाएगा। बाद में जाने बाद वाला अपन कह लोग रहा, पहले हमको अकेले परिजनों के मुताबिक तब पुलिस ने बवाल बताकर शिकायत नहीं करने दिया। इस बार जब वह गायब हुआ तो परिजनों ने कोई शिकायत नहीं की। का क्या नाम? शिवराज सिंह। ये लड़का जो डूबा है आपका क्या लगता है? भतीजा। कैसे क्या हुआ कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? अब 3 दिन से गायब है, तीसरा दिन है आज। तो कहाँ मिला है? तालाब में है। अच्छा, इससे पहले भी लड़का गायब हुआ था? हाँ, 22 तारीख को गायब हुआ था। फिर उसमें क्या हुआ था? उसमें साहब वहाँ डॉक्टर के लिए थाने तक गए, वहाँ पर एसओ साहब ने कहा कि बवाला बना रहे हो, कोई निशान नहीं, इसको किसी ने नहीं मारा है, बवाला बना रहा है। फिर क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुई, कर रही बंद हो गई। अच्छा, तो मतलब अगर वो लापरवाही हुई जिसके कारण लड़के की जान चली गई। फिलहाल देखने में क्या लग रहा लड़के का? देखने में मार के वो मुंदा गया है। अच्छा, मारा गया है? चोट के निशान है आँख चेहरे पे। अच्छा, प्रेम सागर। ये सर्वेश कौन है तुम्हारे? हमारा भाई बड़ा। तो कैसे क्या हुआ कुछ बता पाएंगे इस मामले में? ये 6 तारीख को सुबह गायब हो गए थे। हाँ, उसे हमने बहुत खोजा, फिर उसके बाद आज मिले हैं। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना, पहली बार गायब हुए थे। कब गायब हुए थे पहली बार? 22 तारीख को। तो क्या हुआ था उसमें? तो उसने सर कह रहे थे बवाला है, इसीलिए हमने अब की बार नहीं सूचना दी। कौन कह रहा था बवाला? एसओ साहब, एसओ रामपुर कला जी। ये कह रहे थे बवाला है जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उसने सुलहनामा लिखवा दिया था। तो जब गायब हुआ था तो जो स्थिति में मिला था वह स्थिति कैसी थी? किस कैसे गायब हुआ था पहली बार? हाँ, पहली बार जब गायब हुए थे तो बयान दे रहे थे, वो तो है वीडियो उसका। उसका वीडियो है जी। अच्छा, क्या बयान दे रहे थे उसमें? बयान दे रहे थे कि हमको एक आदमी आया पहले और उसके बाद 3 आदमी मुंह बांधे थे, हमारे ऊपर रुमाल डाल दिया। तो फिर बाद में मिले कि किस परिस्थिति में मिले तुमको? बांधे हुए मिले थे। काहे में बांधे थे? रुमाल में। अच्छा, हाथ पैर रुमाल से बंधे थे जी। आज क्या हुआ? आज सुबह हम लोग ढूंढने फिर निकले तो गांव वाले ने बताया कि एक लाश तालाब में उतरा रही है। हाँ,
फिर आपने पुलिस को सूचना दी जी। तो डेड बॉडी बाहर निकल गई जी। आपको क्या लगता है, मतलब वो खुद डूब गया है या किसी ने हत्या की? मारा गया है, वहाँ का है, चेहरे पर लगा। अच्छा, निशान है चोट के। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। लोगों ने कहा कि साहब 2 महीने पहले यहां पे एक पंचायत भवन के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, उसमें आपस पथराव किया गया था, उसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई थी। तो उस व्यक्ति की मौत पथराव में नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से ही हुई थी, क्योंकि बिसरा प्रिजर्व था उस मामले में। उसमें 4 लोग जेल गए थे, संभवतः उनकी बेल होने वाली है। लोगों ने कुछ उस मामले को लेकर इसमें शंका व्यक्त की है। हमने सबको आश्वस्त किया कि हम सारे मामलों की इकट्ठा करके इसमें जांच करवाएंगे, अगर कोई पुलिसकर्मी अगर इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, तहरीर में 3 लोगों को नामजद किया गया है? हाँ, 3 नामजद किए गए हैं, एक आध को लोगों ने शक व्यक्त किया है, उनको भी उठाया गया। उसमें कुल लगभग 4 लोगों के बारे में लोग बता रहे हैं इसमें कि साहब 4 लोगों के ऊपर हमको शक है, 3 लोग नामजद किए के बारे में बताया इन लोगों ने। एक को हम लोग हिरासत में ले लिए, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। जो 3 लोग और नामजद हैं उनके लिए हमारी टीम गांव में गई हुई है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार करके उनसे हम बातचीत करेंगे, उनको हम जेल भेजेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।